नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश विश्वनाथ निब्बाना की दुनिया में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में। संकल्प शक्ति क्या होती है, कैसे करनी होती है, और संकल्प करने के बाद उस संकल्प तक कैसे पहुंचने की रास्ते हमारे पास हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम बातें करते हैं जीवन में आनंदी यश और आरोग्य कैसे प्राप्त करें, और इसी के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं इन वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मुझसे कम्युनिकेशन करते हैं, और हज़ारों लोगों का जीवन बदलता है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि अपनों के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने प्रयासों के कारण अगर किसी का जीवन बदलता है तो। आज उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं संकल्प के बारे में। संकल्प, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके जीवन में आपका संकल्प, आपका एम क्या है। मैं अक्सर बहुत से प्रोग्राम्स लेता हूं, हजारों लोगों को मिलता हूं, और ये सवाल जब भी मैं पूछता हूं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि आपके जीवन में आपका संकल्प क्या है, और इस जवाब पे, इस सवाल पे बहुत कम लोग, गिने चुने लोग बता पाते हैं कि उनके जीवन का ध्येय, उनके जीवन का एम क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है। मान लो किसी गाड़ी को, किसी बस को, या किसी ड्राइवर को ये पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। जैसे गाड़ी को नेम प्लेट होती है, तो ड्राइवर गाड़ी को पता नहीं, गाड़ी को तो पता रहेगा नहीं, ड्राइवर को पता नहीं वो कहाँ पहुँचेगा। मान लो वो किसी और जगह पहुँच गया, वो देख के बोलेगा तो ये तो मेरी जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। फिर वो वापिस आएगा, वापिस और जगह जाएगा, और गलती से उसे जो जगह जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, और स्वयं को बोलेगा कि हाँ देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ, कितना प्रयास मुझे करना पड़ा। डेफिनेटली प्रयास तब भी करना पड़ता है जब आप संकल्प या एक एम सामने रखते हो। दिक्कतें तभी भी आती है जब आप कुछ एम रख के काम करते हो, लेकिन आपने मन में आपका संकल्प, आपका एम रखा ही नहीं है, लेकिन आप काम करे जा रहे तो ज्यादा गुंजाइश है कि आप रास्ते से हट सकते हो। और दूसरा उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं कि कोई किसी को किसी जगह जाना है, तो पहले वो दिमाग में फिक्स करता है, मान लो मुझे यहां से बंबई जाना है या पुणे जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक इन माय माइंड, आई विल फिक्स्ड, आई हैव टू गो टू पुणे ऑन दिस डे, ऑन दिस टाइम। डेस्टिनेशन फिक्स हुआ, टाइम फिक्स हुआ, किस तरीके से जाना है वो फिक्स होगा। मान लो किसी के पास ये तैयारी नहीं, कैसे जाएगा, या बस स्टैंड जाएगा या किसी गाड़ी पे बैठेगा, तो गाड़ी वाले को क्या बोलेगा उसे कहाँ जाना है। दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सबसे सच बात यही है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। तो इसी बात का सारांश अगर हम निकालेंगे, एक बात मैं इस जगह पे आपको कहना चाहूंगा, हो सके तो आपके जीवन का एम फिक्स करें। एम फिक्स करते समय ये बात ध्यान में रखें, उसे और हम थोड़ा माइक्रो ट्यूनिंग करते हैं कि सर एम कैसे फिक्स करें। मान लो कि आपको एक जीवन मिलने वाला है, मान लो कि आपको 100 साल का जीवन मिलने वाला है, तो मरते समय आप क्या करके जाना चाहोगे इस दुनिया से।
कि सर अभी मैं मर रहा हूँ, 100 साल पूरे हो गए और 100 साल में मुझे ये पूरा करना था, मैंने कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, आप क्या करना चाहते हैं सोचिए। डेफिनेटली एम फिक्स करना थोड़ा सरल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगाने पड़ेंगे। जब आप एम फिक्स करोगे तो सामने रखिए कि आपका पसंद का काम कौन सा है, जो करते हुए आपको उतनी थकावट नहीं आती। जब एम फिक्स करेंगे तो छोटा नहीं बड़ा एम रखें, जिसे आपका भी और औरों का भी कल्याण हो। आज से आप लग जाओ तो शायद सौभाग्य से कल या आने वाले समय में आप आपका एम फिक्स कर पाएंगे। उसे हम संकल्प कहते हैं। एक बार आपने आपका एम फिक्स कर लिया, फिर वहां तक जाने के लिए आप छोटे छोटे एम, छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे माइलस्टोन आप चुनते जाएंगे। हम आपको अक्सर मैं बताता हूं कि एम चुनने के बाद भी रास्ता सरल नहीं होता। आपकी सोच औरों से नहीं मिलती है, शायद आप उनके नजरों से गलत होते हैं, या आपको अच्छे लोग नहीं मिलते। रास्ते में पत्थर आते, कांटे आते, बारिश आते, बड़े बड़े खड्डे आते, क्या आप आगे जा नहीं सकते। फिर हम आपको कहते निब्बाना पाथ ऑफ हैप्पीनेस में कि आपको रुकना नहीं है, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। अगर बाहर के साए चाहिए तो आपको कांटों पे चलना पड़ेगा। दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ है, आपका एम फिक्स है, तो दिक्कतें से आप बाहर जाने का रास्ता ढूंढोगे। जैसे आप रास्ता ढूंढोगे, रास्ता मिल जाता है दोस्तों। रास्ता मिलता है, बस ढूंढना पड़ता है। दुर्भाग्य से मैथमेटिक्स ये बताता है कि 100 लोग जब प्रयास करते हैं, उसमें से ज़्यादातर 90-95% ऑफ पीपल रास्ता छोड़ देते हैं, और 5-10% लोग रास्ता निकालते निकालते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। पहुंचने के लिए और भी बातें चाहिए होती है, मन का विश्वास, कमिटमेंट, और भी बातें। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आने वाले सेशन में। आज के इस वीडियो तक जो संदेश मैं आपके पास देना चाहता था वो यही था कि दोस्तों, आपका संकल्प, आपका ध्येय, आपका एम फिक्स करिए। एक बार आपका एम फिक्स हो जाता है तो आपका काफ़ी हद तक काम फिक्स हो जाता है, सरल हो जाता है। और एक बार आपका एम फिक्स हो गया तो उस तक जाने के लिए आपका रास्ता बनाइए। रास्ते में रुकावटें आएंगी, सफलताएं आएंगी, कुछ भी आए आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है स्वयं के लिए, इस जग कल्याण के लिए। दोस्तों, जाते जाते मैं अक्सर कहता हूँ कि हम साथ में कुछ भी नहीं लेके जाते। कहते कि आदमी जब मरता है तो साथ में कुछ भी नहीं लेके जाता, एक कपड़ा भी साथ में नहीं आता। लेकिन जब तक हम जिंदा है, स्वयं आनंदपूर्ण जीवन जिए, दूसरों को आनंद दें, उसी में भलाई है, उसी में शांति है। आप सबके जीवन में आनंद आए, शांति आए, ये सब के लिए ये प्रयास हम कर रहे हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।